नमस्कार मित्रों, आजकल जंग का माहौल है। कुछ चल रही हैं और कुछ चलने वाली हैं, कुछ प्लानिंग में है। स्वाभाविक है कि बात जंग की ही होगी। मेरी समझ से वॉर एंड पीस, जंग और शांति जीवन के दो अभिन्न अंग हैं। एक का दूसरे के बिना अस्तित्व ही नहीं है, या कहें ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ, हम ये जरूर चाहते हैं कि सिक्के के दोनों तरफ शांति लिखी हो, पर ऐसा कैसे हो सकता है? कम से कम हर आदमी चाहता तो यही है कि जंग अगर हो भी तो उसका उससे डायरेक्टली पाला न पड़े। ये तो वही बात हुई कि चित भी मेरी, पट भी मेरी और सिक्का मेरे बाप का। देखा जाए तो हमारे देवी देवताओं के भी अगर एक हाथ में शांति होती है तो दूसरे हाथ में शस्त्र होते हैं। यही जीवन का संतुलन है। बुद्ध के हाथ में केवल शांति थी, इसलिए वो सारी दुनिया में तो पॉपुलर हो गए, पर हमारा क्या हुआ वो हम ही जानते हैं। मैं अपनी कहूँ तो युवावस्था में जब क्रांतिकारी विचार आना स्वाभाविक है, मैं कुछ रूसी लेखकों को पढ़ रहा था, जैसे दोस्तोवस्की, मोपासा इत्यादि। उसी समय मैंने क्राइम एंड पनिशमेंट पढ़ी थी, फिर वॉर एंड पीस उठाई लियो टॉल्स्टॉय की। 1200 पन्नों की किताब देख के हौसला टूट गया, पर यह नाम दिमाग में अटक गया, वॉर एंड पीस। जंग एक वायलेंस है। इसकी शुरुआत होती है जब माँ के पेट में शिशु अपनी लात पहली दफे मारता है और उसके बाद चिल्लाता हुआ इस पृथ्वी पर जन्म लेता है। माँ गहरी प्रसव पीड़ा में जन्म देती है, पर शिशु के पैदा होने के बाद ऐसी शांति और सुख की अनुभूति करती है कि वो सारे दर्द, या जिसको कहें वायलेंस, उसको भूल जाती है। उसके चेहरे पर एक दैवीय मुस्कान आ जाती है और एक नए जीवन की शुरुआत हो जाती है। मेरी सूक्ष्म बुद्धि से वॉर एंड पीस का जन्म यहीं होता है। वैसे भी देखा जाए तो जीवन में इसका संतुलन बहुत आवश्यक है। अगर केवल पीस रहे तो भी मुश्किल है और केवल जंग रहे तो भी मुश्किल है। दोनों स्थिति में समाज बर्बाद हो जाते हैं। केवल शांति से अन्याय बढ़ता है, अन्याय से आक्रोश बढ़ता है और आक्रोश युद्ध को जन्म देता है। यही निरंतर चलता रहता है। यदि आज के संदर्भ में देखें तो जनतंत्र पूरे समय शांति खरीदता रहता है, कभी पैसे बांट के तो कभी जायज या नाजायज मांगे मांगकर। और इसी से सारे जनतंत्र दुनिया के आज बर्बाद हो रहे हैं, अंदर से खोखले हो रहे हैं। इस शांति की खरीद फरोख में एक नए जंग के वातावरण को जन्म दे रहे हैं। अभी आगे क्या होगा वो तो समय के गर्भ में है, पर आप क्या सोचते हैं आगे क्या होगा? कमेंट्स में जरूर लिखें अपने विचार। सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर वाइडर सर्कुलेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।